नमस्कार, आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण विधेयक में किसानों के हितों का ध्यान रखा गया है। सरकार ने बंजर जमीन के सर्वेक्षण का निर्देश दिया है। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह ने कहा है कि बोर्ड की जारी परीक्षा के दौरान बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। आज शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान की पुण्यतिथि है और एमवी स्वराजद्वीप आज चेन्नई जा रहा है। समाचारों के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। प्रधानमंत्री ने भूमि अधिग्रहण विधेयक के बारे में विपक्षी दलों द्वारा किए जा रहे प्रचार को भ्रम फैलाने की कोशिश बताया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कल किसानों को आश्वासन दिया कि ये विधेयक किसानों, उनके परिवारों और गांव के कल्याण को ध्यान में रखकर लाया गया है। श्री मोदी ने विधेयक के विरोध में विपक्ष के अभियान की आलोचना की और इसे गरीब तथा पिछड़े किसानों के खिलाफ एक षड्यंत्र बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2013 के कानून में किसानों के हित वाले प्रावधानों को नए विधेयक में बनाए रखा गया है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने 2013 का कानून आनन बानन में पारित किया था और उसमें कई खामियां थी, इसलिए एनडीए सरकार ने इन्हें सुधारने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने उन 13 नए कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रावधान किया है जिन्हें पिछले कानून में बाहर रखा गया था। पहले के कानून के तहत भूमि का अधिग्रहण होने पर किसानों को पुरानी दरों पर मुआवजा मिलता था, लेकिन नए विधेयक में ये सुनिश्चित किया गया है कि उन्हें अपनी भूमि का पूरा मुआवजा मिले। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबसे पहले उपलब्ध सरकारी जमीन का इस्तेमाल किया जाए, उसके बाद बंजर जमीन का और आखिर में उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन से तुरंत बंजर जमीन का सर्वेक्षण करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री ने इस आरोप को खारिज किया कि ये विधेयक निजी कंपनियों के हित में है। श्री मोदी ने कहा कि राजमार्गों के दोनों ओर केवल 1 किलोमीटर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे अगर सड़क किनारे कोई औद्योगिक गलियारा विकसित किया जाता है तो इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और इलाके का विकास भी होगा। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान पर उन्होंने चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकारी मशीनरी नुकसान का आकलन कर रही है।